राजधानी भोपाल की पिपलानी थाना पुलिस ने दो शातिर वाहन चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 15 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। भोपाल की पिपलानी थाना पुलिस ने दो शातिर चोरों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी के 15 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि राजधानी के रत्नागिरी स्थित कलारी के पास दो संदिग्ध व्यक्ति खड़े हैं, जिनसे हिरासत में लेने पर उनसे सख्ती से पूछताछ की गई, जिन्होंने पूछताछ के दौरान वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। पकड़े गए आरोपी राजधानी भोपाल के ही रहने वाले हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चुराने की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद की है। पकड़े गए माल की कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। पिपलानी थाना अंतर्गत 6 सितंबर 2019 में यहाँ पे चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे दो संदिग्ध व्यक्ति जो है एक आपे में मौजूद हैं। जब जाकर के उनसे पूछताछ की गई तो इन दो व्यक्ति, जिनके नाम जो है कैलाश कुशवाहा, पिता प्रभुलाल कुशवाहा, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम सालरी, थाना मुगलसराय, जिला विदिशा, अभी जो प्रेजेंट निवास है जीनियस स्कूल के पास कल्याण नगर करौन का रहने वाला है। दूसरे का नाम है भूपेंद्र पंथी, पिता लाला राम पंथी, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम आरौन, जिला गुना, अभी जो है ये नींबू कॉलोनी चौकी पास भानपुर का रहने वाला है। इन दोनों के पास से ये गाड़ी आपे मिली है वहाँ पर, और आपे जो है ये यहाँ पर पिपलानी में ही चोरी गई थी, और जो पूछताछ के दौरान उसने ऐसा बताया। आगे जब इनको इनके साथ सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके बाद जो है करीब 12 मोटरसाइकिल एवं 2 स्कूटी चोरी करना कबूल किया, और इस तरह से इन्होंने 15 वाहन की चोरियां जो हैं अभी तक जो है इनके पास से बरामद हो चुके हैं, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 9 लाख रुपए है। इनके ऊपर पुराने कितने अपराध हैं, संबंधित थानों में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है, वो भी आपको आगे बता देंगे कितने अपराध हैं इनके ऊपर और किन लोगों को बेचा है, क्योंकि 7 गाड़ियां जो रिकवर हो चुकी हैं, जिनके FIR जो है निषादपुरा, छोला, हनुमानगंज वगैरह में है। बाकी 7 गाड़ियों के लिए हम लोग रेडियो मैसेज ऑल अक्रॉस द स्टेट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से चोरी हुई है इनके स्टेटमेंट से भी और वेरीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपियों से कई और बड़ी वारदातों का खुलासा भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़, भोपाल।